हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई विश कि आप सब अपने घर पर हेल्दी होंगे। आज के लेक्चर में हम करेंगे अकाउंटिंग साइकिल का टॉपिक जो है ये सेकंड टॉपिक होगा हमारे लेक्चर का। इससे पहले के लेक्चर में हमने मीनिंग सीखा था, अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है उसके मीनिंग को हमने याद करने का तरीका सीखा था, और अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग क्या होता है ये सब हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखा था। मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख ले ताकि आपको आज के लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज शुरू करेंगे हम अकाउंटिंग साइकिल, ये हमारी सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर पे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये टोटल अकाउंटिंग साइकिल 8 स्टेप का प्रोसेस होता है। इसमें 8 चीजें हमें समझनी है। जब हम ये 8 चीजें समझ जाएंगे तो हम अकाउंटिंग साइकिल को इजिली समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए कि द अकाउंटिंग साइकिल इज अ कलेक्टिव प्रोसेस। हम स्टेप बाय स्टेप इसके सारे पार्ट को समझेंगे, बट अभी के लिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप सिर्फ इतना समझिए कि जो अकाउंटिंग साइकिल है वो एक कलेक्टिव प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग साइकिल कोई एक चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये नहीं कह सकते कि हमने अगर जर्नल एंट्री सीख लिया, हमने कोई एक स्टेप सीख लिया तो हम अकाउंटेंट बन गए, नहीं। अकाउंटिंग साइकिल पूरा एक स्टेप है। जब हम ये पूरा स्टेप सीख लेते हैं तभी हम अकाउंट्स को अच्छी तरीके से समझ कर पाते हैं। तो अभी के लिए आपने ये याद कर लिया कि अकाउंटिंग क्या है, एक कलेक्टिव प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, हम एक बार अपनी कल की डेफिनेशन जो हमने सीखी थी इसको रिवाइज करते हैं। Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in term of money, transaction and event which are part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Total जो ये red line में मैंने चीजें mark कर रखी हैं, art of recording, classifying, summarizing in term of money, at least of financial character and interpreting the result. आपको मैं बताना चाहूंगा कि accounting की definition है। अब फर्स्ट चैप्टर में इसी डेफिनेशन के बेस पे आपकी सारी चीजें रिवॉल्व होती रहेंगी। हर चीज में जो भी आप करेंगे, चाहे वो एडवांटेज हो, लिमिटेशन हो या कैरेक्टरिस्टिक हो, ये सारी चीजें ही उसमें आएगी। बस हमारे लिखने का तरीका थोड़ा चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता है। तो अकाउंटिंग में जो मैंने कल आपको समझाया था, मैंने बताया था कि अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग के लिए, क्लासीफाइंग के लिए, समराइजिंग के लिए। ये एक जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो किसमें होनी चाहिए, इन टर्म ऑफ मनी में होनी चाहिए। एक साल के अंदर वाले ट्रांजेक्शन ही हम रिकॉर्ड करेंगे। जब हम इतना कर लेते हैं उसके बाद हम रिजल्ट को इंटरप्रेट कर पाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करेंगे अकाउंटिंग साइकिल को समझेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई अकाउंटिंग साइकिल। आपको कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको हर चीज में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, व्हाई का क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि व्हाई अकाउंटिंग साइकिल, कि हमें अकाउंटिंग साइकिल सीखना क्यों जरूरी है अकाउंटिंग के लिए। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। ये हमारे एक दोस्त है जिसका नाम है चुनीलाल। आप देखिए इसको समझिए। अगर मैं चुनीलाल से कहें कि इसको 8 स्टेप पे पहुंचना है, स्टेयर्स के 8 स्टेप पे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा? ये एक एक करके पहुंचेगा, राइट? ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करके ही पूरे 8वें स्टेप पे पहुंचेगा। तो अकाउंटिंग साइकिल भी सेम है। अगर इसके डायरेक्ट तो इस 8 स्टेप पे नहीं पहुंच पाएगा, टोटल इसको सारे स्टेप क्लियर करने पड़ेंगे तभी ये आखिरी वाले स्टेप पे पहुंचेगा। तो सेम ही लॉजिक अकाउंटिंग साइकिल का भी है। अगर हमें अकाउंटिंग साइकिल भी समझनी है तो हमें इसके सारे कंसेप्ट को समझना होगा। मींस अगर हमें अकाउंट समझना है तो इसके सारी चीजों को समझना होगा तभी हम अकाउंट को समझ पाएंगे। यहाँ पे एक और बात मैं समझाना चाहूंगा आपको कि इंग्लिश SST जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें क्या होता है कि टीचर ने लेसन नंबर 1 करा दिया, फिर लेसन नंबर 5 करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि वो चैप्टर आपस में लिंक नहीं है। इंग्लिश के चैप्टर हो गए और या तो SST के चैप्टर हो गए, ये आपस में लिंक नहीं होते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकाउंट्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अकाउंट्स में आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना होगा तभी आप अकाउंट्स को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आइए अब समझते हैं अकाउंटिंग साइकिल को। अकाउंटिंग साइकिल को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप अकाउंटिंग साइकिल को इस वीडियो को देखते ही समझ जाएंगे कि अकाउंटिंग साइकिल आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अकाउंटिंग साइकिल में, हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हम वो ट्रांजेक्शन का पता लगाते हैं जो एक साल के अंदर हुई है और जो पैसों से रिलेटेड है। तो पहला स्टेप ये हमारा है आइडेंटिफिकेशन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री। जो हमने ट्रांजेक्शन पता कर ली कि भाई ये ट्रांजेक्शन हमने पता कर लिया, अब इसके हम ना अपनी बुक्स में एक एंट्री करेंगे, उसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। ये आपका चैप्टर भी है, ये आपके चैप्टर भी है जर्नल एंट्री, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इसके जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप समझिए,
जब जो चीज कई बार क्या होता है क्वेश्चन में स्पेशल जर्नल भी करनी पड़ती है, कई बार क्वेश्चन में स्पेशल जर्नल भी करनी पड़ती है। तो ये सारे हमारी चैप्टर्स हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल। तो कई बार ऐसा ऑन करना पड़ता है कि हमें एक जैसे नेचर की आइटम को इन बुक में डालना होता है, परचेज बुक में डालना होगा, सेल्स बुक के सेल्स बुक में डालना होगा, और कैश बुक एक चैप्टर है, कैश बुक एक चैप्टर है, बाकी जो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, ये जो बाकी के चैप्टर है, ये इन चैप्टर सबका एक टॉपिक का नाम है बिल सब्सिडरी बुक्स ऑफ सब्सिडरी। इन चैप्टर का नाम क्या है? बुक्स ऑफ सब्सिडरी। कैश बुक एक अलग चैप्टर है। तो इन सबको हम स्पेशल जर्नल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। अगर सब जर्नल एंट्री में वो एंट्री आ रही है ठीक है, अगर हमें ये स्पेसिफिक बोल रखा है कि ये एंट्री को परचेज रिटर्न बुक में डालो तो परचेज रिटर्न बुक में डालेंगे। और हम जब ये अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे इस वीडियो में तो आपको सब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैश बुक क्या होती है, परचेज बुक क्या होती है, सेल्स बुक क्या होती है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न क्या होता है, बिल पेबल क्या होता है, बिल रिसीवेबल क्या होता है। अभी के लिए आप इसकी साइकिल को समझिए। अब अगली चीज जो आती है वो आती है जर्नल प्रॉपर, जो ना जर्नल एंट्री में जाती है ना स्पेशल जर्नल में जाती है, वो आती है जर्नल प्रॉपर में। वो किसमें आती है? जर्नल प्रॉपर में। और जो ये सारे स्टेप होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है जर्नल एंट्री से लेकर जर्नल प्रॉपर तक, यहाँ पे हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करते हैं। इससे हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करते हैं। अब आगे क्या होता है? आगे होता है हम बनाते हैं इसके करने के बाद लेजर बनाते हैं। लेजर का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना। क्या होता है? क्लासिफिकेशन करना। इसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रेल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। चार चीजें हम बनाते हैं, इसको कहते हैं हम समराइजिंग करना। ट्रेल बैलेंस में हम समराइजिंग करते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग क्या होता है। तो ट्रेल बैलेंस में हम समराइजिंग करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस को कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ। और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजिशन पता चलती है। इसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना लेते हैं, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है जिससे हम अपने एनालाइज इजीली कर सकते हैं कि हम मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये हमें एनालाइज करने में मदद कर ले। जब हम एनालाइज कर लेते हैं तो उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं अपने यूजर से, तो इस तरीके से अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देखिए कितना सिंपल है। पहले ट्रांजेक्शन को आप क्या करें? आइडेंटिफाई करें। फिर जर्नल एंट्री करनी होती है, फिर स्पेशल जर्नल करनी होती है, और जर्नल प्रॉपर करनी होती है। ये तीनों चीज रिकॉर्डिंग में आती है। फिर लेजर बनाना होता है, इसे क्लासिफिकेशन में आते हैं। उसके बाद ट्रेल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी होती है, समराइजिंग में आती है। उसके बाद हम एनालाइज कर लेते हैं, फिर कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर से। और जो भी मैंने चीजें यहाँ पे लिखी है, ये सारे आपके चैप्टर के टॉपिक है, हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सीधा आपको ट्रेल बैलेंस समझा दूं, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपको जर्नल एंट्री नहीं आएगी, कैश बुक, परचेज बुक नहीं आएगी, जर्नल प्रॉपर नहीं आएगी, लेजर नहीं आएंगे, तो हम उससे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट पहुंच ही नहीं सकते। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अकाउंटिंग साइकिल एक स्टेप है जिसमें हमें पता चलता है कि हमें अकाउंट को किस तरीके से पढ़ना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। द अकाउंटिंग साइकिल इज अ कलेक्टिव प्रोसेस, जो कि भी मैंने आपको दो मिनट पहले बताया था कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। कलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग साइकिल में, आइडेंटिफिकेशन करते हैं ट्रांजेक्शन की, रिकॉर्डिंग करते हैं और एनालाइज करते हैं। द अकाउंटिंग इवेंट ऑफ अ कंपनी, जो भी अकाउंटिंग इवेंट होती है कंपनी में। ये जो 8 स्टेप का प्रोसेस होता है, इट इज अ स्टैंडर्ड 8 स्टेप प्रोसेस that begin when a transaction occur and end with its inclusion in the financial statement. तो देखिए कितने सिंपल तरीके से आप अकाउंटिंग साइकिल को की डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। आप पहले अकाउंटिंग साइकिल की डेफिनेशन को लिखिएगा, उसके बाद वो टेबल बनाइएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैंने और देखी है कि स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि कितने मार्क्स में कितना आपको आंसर लिखना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताओ, और 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया, राइट? तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप अकाउंटिंग साइकिल में सिर्फ ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखे, अकाउंटिंग साइकिल की डेफिनेशन लिखे और वो चार्ट बना के आ जाए। वो तो आपको बनाना ही बनाना है, पर अगर आप इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी लिख देंगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स चलना है। अगर हाँ आपसे 3 नंबर में पूछा जा रहा है, तो आप अकाउंटिंग साइकिल की डेफिनेशन लिखिए और अकाउंटिंग साइकिल का वो चार्ट जो मैंने अभी आपको समझाया बना के आ जाए, दैट करेक्ट, वो सही है। बट 5 नंबर में पूछा जा रहा है, तो आप उसमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जैसे कि बताया कि इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।